मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग कल बजट पर डिस्कशन कर रहे थे, बजट के पोर्शन को डिस्कस किया था। तो बजट में जो कंटेंट बच रहा था हम उसको आज कैरी ऑन करेंगे। बजट हमारा जो पेश होता है, जो प्रस्तुत किया जाता है, वो कितने स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो जनरली जो बजट पेश होता है वो हमारा बजट पेश होता है यूनियन बजट। कौन सा बजट पेश होता है? यूनियन बजट। यूनियन बजट क्योंकि बजट में हम कल बात कर चुके हैं, बजट दो चीजों का कलेक्शन होता है, एक रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का। तो यूनियन बजट भी कंप्लीट एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का कलेक्शन होगा। बट यूनियन बजट प्रेजेंटेड फॉर द कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश किया जाता है। जो यूनियन बजट हमारा होता है वो एक वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 265 और 266 ये फिक्स करता है कि बिना सदन पर प्रस्तुत किए, बिना सदन में प्रस्तुत किए ना तो हम 1 पैसे का कलेक्शन मेंटेन कर सकते हैं और ना ही हम 1 रुपए का एक्सपेंडिचर मेंटेन कर सकते हैं। तो दोनों आर्टिकल ये फिक्स करते हैं कि अगर पैसा हमें निकालना है तो वो भी प्रस्तुत किया जाए सदन में, और यदि पैसा हमारे पास आ रहा है उसका भी रिकॉर्ड सदन में प्रस्तुत किया जाए। तो इसके लिए हमारा बजट आता है। तो उस 1 वर्ष के कंप्लीट प्रस्ताव के लिए कितना पैसा प्रस्तावित है, कितना खर्च प्रस्तावित है, कितनी अनुमानित आय है जो हमें मिलेगी, जिसका हम अनुमान कर रहे हैं, वो हम किसमें पेश करते हैं? यूनियन बजट में। और यूनियन बजट एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी पर पेश होता है। क्लियर? दूसरा हमारा बजट है अंतरिम बजट। इसको बोलते हैं अंतरिम बजट, अपने शब्द से क्लियर है। बजट कैसा है? अंतरिम यानी कि इंटरिम बजट। अंतरिम बजट मध्यावधि बजट होता है, मध्यावधि अर्थात ये आपका मध्यावधि बजट है। यदि 1 वित्त वर्ष का समय हमें नहीं मिल रहा, हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, हम बीच में आए हैं और बीच के समय के लिए हमको फंड जनरेट करना है, तो एक्सपेंडिचर हम कहां से मेंटेन करेंगे? तो इसके लिए हम एक बजट पेश करते हैं। लेकिन बजट हमारी गवर्नमेंट रिफॉर्म होकर के जो आई है वो जुलाई में आई है, तो जुलाई में बजट हम एक फाइनेंशियल ईयर तो मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि फरवरी तो निकल चुका। तो बजट हम जो पेश करेंगे वो बीच में पेश करेंगे। तो जो मध्यावधि बजट प्रस्तुत होगा वो कौन सा कहलाएगा? अंतरिम बजट। मींस ये बजट एक फाइनेंशियल ईयर से क्या होता है? कम होता है। तो लेस देन अ फाइनेंशियल ईयर, ये बजट हमारा 1 वित्त वर्ष से कम समय का होता है, मोस्टली 6 से 8 महीने का होता है। इसके अलावा एक हमारा अकाउंट और होता है। देखो, यूनियन बजट और अंतरिम बजट एक जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक कंप्लीट वित्त वर्ष के लिए और दूसरा 1 वित्त वर्ष से कम समय के लिए। दोनों में रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों है, टैक्स रिफॉर्म भी है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। बट एक पॉइंट हमारा और आता है, वो कौन सा है? वोट ऑन अकाउंट। एक हेड हमारा और आया, वोट ऑन अकाउंट। अब वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट वो गवर्नमेंट पेश करती है जो गवर्नमेंट इलेक्शन को फेस कर रही होती है। मींस जो सरकार है और वो इलेक्शन फेस कर रही है, अभी इलेक्शन होने वाला है, तो वो इलेक्शन को नजर में रखते हुए, इलेक्शन को दृष्टि में रखते हुए कोई नया टैक्स रिफॉर्म नहीं ला पाती। ये रिस्क नहीं ले पाती कि हम कोई टैक्स रिफॉर्म करें, अपना रेवेन्यू मेंटेन करें और रेवेन्यू को जनरेट के लिए कोई नया टैक्स इंपोज कर दें, उसका इलेक्शन पर इफेक्ट क्या होगा। तो ऐसा रिस्क ना उठा करके गवर्नमेंट सिर्फ पेश क्या करती है? एक्सपेंडिचर। यहां पर गवर्नमेंट रिसिप्ट को प्रस्तुत नहीं करती, प्रस्तुत क्या करती है? एक्सपेंडिचर। मींस वोट ऑन अकाउंट इज अ कलेक्शन ऑफ ओनली एक्सपेंडिचर। जो हमारा वोट ऑन अकाउंट है वो सिर्फ किस चीज का कलेक्शन है? एक्सपेंडिचर का। इसमें कोई रिसिप्ट का यानी कि आय का कोई कालम नहीं होता। क्लियर? तो सिर्फ एक्सपेंडिचर किसमें आएगा? वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट मोस्टली 2 to 4 month का होता है, 2 to 4 month, 2 से 4 महीने का होता है। वोट ऑन अकाउंट का जो सिस्टम होता है वो 2 से 4 महीने का होता है। ये बेसिकली पहले पेश किया जाता था बजट प्रोसेस के लिए,
क्योंकि बजट हमारा आता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, वो अप्रैल तक हम उसे मेंटेन नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए भी पेश होता था। लेकिन अब जैसे फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी पर होता है तो वो 1 अप्रैल के पहले कंप्लीट हो जाता है। तो वोट ऑन अकाउंट ऑफ पेश कब होता है? इलेक्शन फेस करने की कंडीशन पर। क्लियर? हमारे ये 3 पॉइंट हुए, यूनियन बजट, इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट। अब बजट पर हम लोग बात कर रहे थे कि रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर होता है, जरा उसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं। तो बजट में दो हुए, एक बजट हमारा कौन सा हुआ? रेवेन्यू बजट। और दूसरा बजट कौन सा हुआ? कैपिटल बजट। रेवेन्यू की हिंदी होती राजस्व। रेवेन्यू बजट कौन सा बजट हुआ हमारा? राजस्व बजट। और कैपिटल बजट हमारा कौन सा बजट हुआ? पूंजीगत बजट, यानी कि राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट के दो पार्ट, दो हेड बनेंगे, दो अकाउंट मेंटेन होंगे, एक रिसिप्ट और दूसरा कौन सा? एक्सपेंडिचर, यानी कि रिसिप्ट यानी प्राप्तियां, या हम कहें आय, एक्सपेंडिचर अर्थात व्यय। क्लियर? तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। रिसिप्ट में यहां दो पोर्शन होते हैं, एक होता है हमारा टैक्स और एक होता है हमारा नॉन टैक्स। रिसिप्ट दो है, एक टैक्स, दूसरा कौन सा है? नॉन टैक्स। दूसरी चीज, कैपिटल में डेप्ट होता है, कैपिटल में डेप्ट होता है, रेवेन्यू में हमारा डेप्ट नहीं होता। रेवेन्यू में जितना भी सरकार को प्राप्त होता है वो नॉन डेप्ट है, बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है, यानी कि ये कमी से ऋण नहीं है। सरकार को यहां से कोई भी पैसा वापस नहीं करना, सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई देयता नहीं है, यहां पर डेप्ट होगा। तो क्लियर? यहां पर ही क्या हुआ? टैक्स। दूसरा क्या हुआ? नॉन टैक्स। टैक्स के दो पार्ट हैं, एक डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष कर, और दूसरा कौन सा हुआ? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आपको पता है, इनडायरेक्ट टैक्स जितने थे उन सबको मर्ज कर दिया गया, एक कर दिया गया, मिला दिया गया, और उसकी जगह एक नया टैक्स लगा दिया गया, कौन सा? जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम आय पर पे करते हैं, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे के सारे टैक्स हमारे कैसे हैं? डायरेक्ट टैक्स। जैसे स्टाम्प ड्यूटी टैक्स, ये सारे के सारे टैक्स हमारे कैसे हैं? डायरेक्ट टैक्स हैं। तो ये हमारे आते हैं डायरेक्ट टैक्स में। आपका बजट आ रहा है, बजट पर टैक्स स्ट्रक्चर आएगा, तो इसको हम और लोग डिस्कस करेंगे, किस रेट पर, कौन सी रेट पर टैक्स हमारा पे हो रहा है। नॉन टैक्स में अगर बात करें तो नॉन टैक्स में जैसे फीस, गवर्नमेंट कई पोर्शन होते हैं जिस पर फीस लेती है, या पेनाल्टी, ये भी गवर्नमेंट की अर्निंग है, पेनाल्टी होती है, फीस हो गई, पेनाल्टी हो गई, या नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपके ग्रांट्स हो गए, और इंटरेस्ट रिसीप्ट जो गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है वो इंटरेस्ट रिसीप्ट, या इसके अर्थ पे इनकम, पब्लिक सेक्टर इनकम, कहां से? पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट फर्म जो है, गवर्नमेंट कंपनीज जो है, वहां से जो इनको इनकम हो रही है वो इनकम, ये हो गया हमारा किसमें? रिसिप्ट में। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहां पर दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक आपका होता है प्लान एक्सपेंडिचर और दूसरा कौन सा होता है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, अब तो दोनों एक कर दिए गए हैं, लेकिन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हमारा वो होता है जो 5 ईयर प्लान, आगे 5 ईयर प्लान की बात करेंगे, पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, तो 5 ईयर प्लान जो हमारा होता है, जो पंचवर्षीय योजना होती है, उसके जो खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लान एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और जो हमारे अदर एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे कि सब्सिडी या फिर सैलरी, ये जो खर्चे हैं ये सारे के सारे खर्चे कैसे होते हैं? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। इसमें से सब्सिडी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि सब्सिडी प्लान एक्सपेंडिचर है या फिर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, या सैलरी प्लान एक्सपेंडिचर है या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, तो याद रखिए कैसे एक्सपेंडिचर है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। और किस अकाउंट से व्यय होते हैं? तो रेवेन्यू से व्यय होते हैं। क्लियर?
ये रेवेन्यू से होते हैं, राजस्व से होते हैं और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, क्लियर है। और ये हमारा हो गया आपका फाइव ईयर प्लान का जितना एक्सपेंडिचर है वो प्लान एक्सपेंडिचर कहलाता है, इसलिए उसको फाइव ईयर प्लान के एक्सपेंडिचर में रखा जाता है। अब अगर हम लोग कैपिटल की बात करें, अभी तक हम लोगों ने बात की रेवेन्यू बजट की, अभी हमारी बात हुई किस पर, रेवेन्यू बजट पर, अब हम लोग बात किस पर कर रहे हैं, कैपिटल बजट पर बात कर रहे हैं। तो कैपिटल बजट में भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल, कैपिटल क्योंकि क्या है हमारा पूंजी, आप जानते हैं पूंजी की बात वहां पर होती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, हम पूंजी की बात वहां करते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर बात करते हैं वो पूंजी की बात करते हैं। तो कैपिटल में रिसिप्ट, रिसिप्ट में क्या, नॉन डेट, एक ऐसा पैसा जो हमें प्राप्त होगा जो गैर ऋण है, गैर ऋण मतलब इस पैसे को हमें अदा करने की आवश्यकता नहीं है, हम पर कोई इसकी देयता नहीं है, लायबिलिटी नहीं है। और डेब्ट क्या हुआ, डेब्ट का मतलब हो गया ऋण, यानी ये वो पैसा है जो कि हम पर देयता है, इसे हमें वापस करना है, यानी कि हम पर लायबिलिटी है, क्लियर, ये हमारी देयता है, ये हमारी लायबिलिटी है जो कि हमको वापस करना है। अब नॉन डेब्ट में कौन सा होगा, आपने कई बार सुना होगा गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है या कंप्लीट प्राइवेट सेक्टर में दे रही है। डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको बोलते हैं विनिवेश, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है डिस इन्वेस्टमेंट, ये पोर्शन हमारा कहलाता है विनिवेश का पोर्शन कहलाता है। विनिवेश मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना इन्वेस्टमेंट है, यानी उसमें पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश है, और किसी भी कंपनी के शेयर्स बेचना डिसइन्वेस्टमेंट है, विनिवेश है। गवर्नमेंट ने जैसे आईओसीएल में हम बात करें, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आईओसीएल में गवर्नमेंट के पास 73% शेयर है, अब गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता है तो गवर्नमेंट इसमें से 15% शेयर डिसइन्वेस्ट कर रही है, यानी 15% शेयर किसको बेच रही है, प्राइवेट सेक्टर में बेच रही है। तो 73 से 15% आपके निकल गए, तो बचे कितने, 73 से 15% आप माइनस कर दो तो 63 और 58%। अब गवर्नमेंट के हाथ में कितने बचे, 58% है, फिर भी गवर्नमेंट क्या है, ये जो आईओसीएल कंपनी है पब्लिक सेक्टर है, क्योंकि मोर देन 50% उस गवर्नमेंट के पास है तो पब्लिक सेक्टर है, ऑनरशिप चेंज नहीं हुई, गवर्निंग अथॉरिटी चेंज नहीं हुई, लेकिन ये क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। तो यहां से जो पैसा मिला, हमने अपनी कंपनी के शेयर बेचे हैं, तो वो पैसा हमें किसी को वापस करना नहीं है, हम पर कोई लायबिलिटी नहीं है, तो ये पैसा क्या कहलाता है, नॉन डेब्ट कहलाता है, क्लियर। या फिर पब्लिक सेविंग, जो पब्लिक सेविंग है वो भी पैसा है हमारे पास, हमने किसी से उधार मांगा तो नहीं है ना, डेब्ट है, हम वापस करेंगे, लायबिलिटी है, लेकिन वो डेब्ट नहीं है, वो ऋण नहीं है, क्योंकि हमने आपसे मांगा नहीं है, आपने हमारे पास उसे इन्वेस्ट किया है, वापस करेंगे, देता है हमारी, लेकिन वो लायबिलिटी के रूप में नहीं है, वो हमारे ऊपर डेब्ट के रूप में बिल्कुल नहीं है, वो नॉन डेब्ट के रूप में है। डेब्ट की अगर बात करें तो डेब्ट में वो है जो गवर्नमेंट ऋण लेती है, जैसे बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड बेच रही है, बॉन्ड एक ऋण पत्र होता है, उसकी हिंदी ही ऋण पत्र होती है, तो गवर्नमेंट ने बॉन्ड बेचे, उससे जो पैसा लिया वो क्या गवर्नमेंट के ऊपर ऋण है। या फिर गवर्नमेंट ने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संस्था से पैसा उधार लिया, वो आपका डेब्ट है, जैसे वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक एक्चुअल में होती क्या है, आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक कोई संस्था नहीं होती, आईबीआरडी होती, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उस बैंक को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, या आईएमएफ, एडीबी, ये बैंकें जो हमारी हैं वो न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, इनसे जो पैसा लिया जाता है वो क्या कहलाता है, डेब्ट कहलाता है। अब अगर एक्सपेंडिचर पोर्शन की हम लोग बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर में क्या है, प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिनसे कोई ना कोई असेट जनरेट हो, यानी प्लान एक्सपेंडिचर हमारा कहलाता है असेट ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर। ये जो खर्चा है वो असेट ओरिएंटेड होता है, असेट ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर यानी कि संपत्ति सृजित करने वाला व्यय, ऐसा व्यय जिससे कोई ना कोई संपत्ति बनेगी, जैसे डैम,
कैनाल्स, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बिल्डिंग्स या फिर रोड, नेशनल हाईवे। ये जो असेट जनरेट हो रहा है ये क्या है, हमारा असेट ओरिएंटेड है, ये हमारा असेट है, हमारे पास रहेगा, इससे इनकम जनरेट होगी। तो जो ये एक्सपेंडिचर है वो क्या कहलाता है, प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन होता है, डेब्ट पेमेंट। ये वो खर्चा है जो हमने अंतरराष्ट्रीय संगठन से उधार लिया था, हम उनको यहां पर क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर डेब्ट पेमेंट होता है, प्लान एक्सपेंडिचर असेट ओरिएंटेड होता है, इससे असेट ओरिएंट होता है, और जो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर है उससे कभी कोई असेट ओरिएंट नहीं होता, कोई भी संपत्ति सृजित नहीं होती। तो हम एक तरीके से यह भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉन असेट ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? इसके साथ ही थोड़े से फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। भारत में वित्त मंत्री हुए हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री हैं जिनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अपने जन्म दिवस पर इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, यानी 29 फरवरी, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी पर पेश किया है, वो इनका बर्थडे भी था। तो 1964 और 1968 इन्होंने अपने जन्म दिवस पर बजट पेश किया, एक तो ये इनका सौभाग्य। दूसरा, अब भारत में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है, मोरारजी देसाई के नाम है, 10 टाइम्स। 10 बार बजट पेश किया इन्होंने। इसके बाद नंबर आता है पी चिदम्बरम जी का, 9 बार प्रस्तुत किया है। इसके बाद नंबर आता है प्रणब मुखर्जी जी का, जिन्होंने 8 बार प्रस्तुत किया है। तो मैक्सिमम टाइम्स इंडियन बजट प्रेजेंट करने का जो रिकॉर्ड है किसके नाम है, मोरारजी देसाई। उसके अलावा एक कंटेंट और लेते हैं, 1987-88 का बजट राजीव गांधी जी ने पेश किया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट प्रस्तुत किया 1987 और 88 में राजीव गांधी जी ने, और यह भारत का पहला बजट था जिसे कहा गया जीरो बेस बजट। यह भारत का हमारा पहला बजट है जो कि जीरो बेस बजट है। जीरो बेस बजट क्वेश्चन पूछा गया कई बार, जीरो बेस बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया इन विच ईयर, आंसर 1987-88 या 1987। जीरो बेस बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया बाय मिस्टर राजीव गांधी, राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया। जीरो बेस बजट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएस से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। तो अगर पूछा जाता है जीरो बेस बजट किस देश से लिया गया, तो आंसर हमारा क्या होगा, यूएसए। जीरो बेस बजट कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। यूएसए के यानी अमेरिका से राजीव गांधी जी के संबंध अच्छे हुए थे, भारत के संबंध जो अमेरिका से अच्छे हुए हैं वो राजीव गांधी जी के समय हुए हैं, तो जीरो बेस बजट वहीं से लिया गया था। क्लियर, तो जीरो बेस बजट प्रेजेंटेड बाय राजीव गांधी इन 1987। ओके, राजीव गांधी वित्त प्रधानमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत करते हैं, जवाहरलाल नेहरू बजट प्रस्तुत करते हैं प्रधानमंत्री रहते हुए, और इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत करती हैं। ये 3 लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत किया है, यानी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इन 3 लोगों के नाम है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो 1973 और 1974 का जो बजट है इंडिया में उसे कहा जाता है ब्लैक बजट। 1973-74 के बजट को क्या बोलते हैं, ब्लैक बजट। ये बजट इसलिए ब्लैक बजट कहलाता है क्योंकि इस बार 550 करोड़ रुपए का हमारा बजटरी डेफिसिट था, बजटी घाटा था। पहली बार ऐसा हुआ जो 550 करोड़ रुपए का हमारा बजटी घाटा हुआ, इसलिए इस बजट को घोषित क्या किया गया, ब्लैक बजट। क्लियर, 1978-78
1997 और 98 में जो बजट आया वो बजट कहलाया ड्रीम बजट। पहली बार टैक्स हमारा कम किया गया जिसके कारण इस बजट को क्या नाम दिया गया, ड्रीम बजट। तो 1973-74 का बजट ब्लैक बजट, 1997 और 98 का बजट ड्रीम बजट, और 1987-88 का बजट जीरो बेस बजट। ये कुछ कंटेंट हमारा हुआ। और भारत में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, मोरारजी देसाई जी के नाम है। क्लियर। बजट के साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट इसके साथ हम लोग जोड़ते हैं। अभी हम 5 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इसके आगे आपके रिस्पॉन्स पर मैं इसको और भी बढ़ाऊंगा। सबसे पहले पॉइंट हमारा है संपत्ति नाय, संप्रति नाय, यहां पर आर एक और वर्ड होगा, संप्रति नाय। संप्रति नाय एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि हो रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये होगा, इंडिया और किसके मध्य हो रही है, तो बांग्लादेश के मध्य हो रही है। इंडिया और बांग्लादेश के मध्य एक्सरसाइज हो रही है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संपत नाई। कहां पर हो रही है ये इंपॉर्टेंट है, उमराई मेघालय। नोट डाउन कर लेना, जो इंपॉर्टेंट होगा नाम किसके मध्य, इंडिया और बांग्लादेश के मध्य। क्वेश्चन इसी तरह फ्रेम होता है, जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि संप्रत नाइन एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य हुई, इंडिया बांग्लादेश, या संप्रत नाइन इंडिया बांग्लादेश के मध्य चलने वाला ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किस स्थान पर हुआ, तो उमरई कहां पर हुआ, मेघालय में हुआ। मेघालय की राजधानी, इसी के साथ एक पॉइंट ये भी याद करो, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग। मेघालय की राजधानी क्या होगी, शिलांग। अब बात करते हैं रानी रामपाल। रानी रामपाल एक बड़ा नाम है, अभी हाल ही में इनको पद्मश्री दिया गया, अभी इनको अनाउंस किया गया पद्मश्री, जो भारतीय अवार्ड है, जो इंडियन सिविल अवार्ड है उसका 4th रैंक का है, 4th रैंक का बड़ा अवार्ड है पद्मश्री, जिस सम्मानित किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, महिला हॉकी टीम की कप्तान है, और इनको विश्व में एक पुरस्कार मिला है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019। इस प्राइज को प्राप्त करने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी, भारत की पहली नहीं,